लेटर अति पिछड़ा के घर पे हम लोग भेजने का काम किए, 12% से बढ़ाकर 33% अति पिछड़ा कोटा में आरक्षण करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ रश्मि। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज एक बड़ा बयान दिया। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और इस अवसर पर उन्होंने 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। दरअसल ये 5 गाड़ियां बिहार के हर जिले में जाएगी। इसके साथ ही सभी अति पिछड़ा लोगों से समर्थन पत्र पे दस्तखत लेगी, यानी कि सिग्नेचर लेगी। मुकेश सहनी ने कहा कि ये सभी गाड़ियां बिहार के 50 लाख अति पिछड़ा लोगों के पास जाएगी और उनसे समर्थन पत्र पे साइन करवाएगी। पहले आप सुनिए कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। आज का जो कार्यक्रम रहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पे आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने याद किया है और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग संघर्ष करने का निर्णय लिया है। आज इसके लिए आज हमने 5 वैन को हमने हरी झंडी दिखाया है। पूरे बिहार में घूम घूम कर अति पिछड़ा समाज में जाकर समर्थन पत्र जुटाएंगे, जो 50 लाख समर्थन पत्र जुटाना है। और खास करके वीआईपी पार्टी का मांग है कि 15% जो निषाद अति पिछड़ा समाज में आरक्षण बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग अभियान कर रहे हैं और खास करके पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को गोलबंद कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि आज हमने किस तरीके से पेपर में जानकारी दिया कि बाद में बहुत सारे जाति को उसमें जोड़ा गया लेकिन कोटा में वृद्धि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार एक चीज़ तो ज़रूर निर्णय लेना चाहिए कि जो लोग गरीब है उनके लिए बेहतर विकल्प ढूंढना चाहिए। उनके अति पिछड़ा कोटा में उन्होंने शामिल किया तो उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें कोटा बढ़ाना चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। आज कहीं ना कहीं दायरा नहीं बढ़ने के कारण उसमें बहुत सारे ऐसे जाति है जो शून्य है। एक बीपीएससी में एक अपने बच्चे को SDO तक नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 18% से बढ़ाकर 33% अति पिछड़ा कोटा में आरक्षण करें और राज्य सरकार ये कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास पूरा शक्ति है, पावर है। अन्य राज्य में, भारत में बहुत ऐसे राज्य है जहां पे 69% तक आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों का पूरा मांग है और अति पिछड़ा समाज से समर्थन हम लोग जुटा रहे हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कोटा बढ़ाएं, नहीं तो हम लोग उनके कर्पूरी जी के बताए हुए रास्ते पे संघर्ष करेंगे, अपने दम पर सरकार बनाएंगे और जिस रोज सरकार बनेगा उस रोज निश्चित तौर पर डिसीजन लेने का पावर वीआईपी पार्टी के पास होगा और हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय करेंगे और उनको आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज ये जो रथ निकला है ये 50 लाख समर्थन पत्र जुटाएंगे पूरे बिहार से अति पिछड़ा का घरों से, उसके साथ साथ 10 लाख लेटर अति पिछड़ा के घर पे हम लोग भेजने का काम करेंगे समर्थन जुटाने के लिए। उसके साथ ही अगले महीने में मार्च 25 मार्च को 101 बाइक के साथ युवा को हम लोग लॉन्च करेंगे, मेगा लॉन्चिंग होगा जो हर अनुमंडल में जाके हर एक एक घर तक पहुँचेंगे और हमारे लोग अब वहाँ पे एक एक अति पिछड़ा का बेटा को इस मुहिम से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे लक्ष्य है कि 2024 से पहले जिनको दिल्ली में सत्ता पावर में आना है, 40 लोकसभा से जीतना है, तो अति पिछड़ा का बेटा के साथ न्याय करें और अति पिछड़ा का कोटा को बढ़ाएं। उनके साथ आने वाले समय में अति पिछड़ा समाज 2024 में हो रहेगा। अगर अति लक्ष्य है कि 2024 से पहले जिनको दिल्ली में सत्ता पावर में आना है, 40 लोकसभा से जीतना है, तो अति पिछड़ा का बेटा के साथ न्याय करें और अति पिछड़ा का कोटा को बढ़ाएं। उनके साथ आने वाले समय में अति पिछड़ा समाज 2024 में हो रहेगा। अगर अति पिछड़ा को कोटा नहीं बढ़ाया जाएगा तो अति पिछड़ा का बेटा संघर्ष करेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेगा। जी, अगर मांगे आपकी पूरी नहीं हुई, जो मांगे आपकी हैं, तो आप NDA से भी बगावत कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये सरकार हमारी है, NDA मतलब वीआईपी पार्टी है, JDU है, हम है और JDU है, ये सरकार हमारी है और आज हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते अपने सरकार के टॉप नेतृत्व जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि उनसे मांग ही कर सकते कि आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे जाति को नाम को जोड़ा है लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया है, ये सरकार का फर्ज और कर्तव्य है कि कोटा बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये जब वीआईपी पार्टी अपने वजूद में पहुंच जाएगा तो खुद डिसीजन लेंगे और वो हम काम करेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोटा बढ़ाएं। सदन में इस बात को उठाएंगे क्या? सदन में जो चल रहा, देखिए सरकार हम है, सरकार में हम कहाँ, हम तो बात उठा ही रहे हैं, TV मीडिया पेपर के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को गांव-गांव में बोल रहे हैं घूमिए और संघर्ष कीजिए और अपने दम पे सरकार बनाइए और आप पूरा कीजिए। तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप में सरकार है तो सबके राय विचार से ही सरकार निर्णय लेंगे
तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करेंगे। निषाद आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जातिगत जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अति पिछड़ा का कोटा बढ़े उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में 19 लाख युवा को रोजगार मिले उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा बिहार बेहतर हो, टॉप 10 में बिहार आए उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम बिहारी होने के नाते हम चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो तमाम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के हर साथी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जब भी संघर्ष की बात होगा तो मुकेश सहनी रोड पे होगा। आंदोलन करने के लिए सड़क उतरेंगे क्या? यूपी चुनाव में हम 100 से अधिक सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और कल से मेरा पश्चिम में दोबारा दौरा चालू होने के लिए जा रहा है। एक जोन हमने 2 और 3 के लिए हमने प्रचार कर लिया, अभी कल से हमारा तीसरा चरण के लिए दौरा होगा और कल आगरा से हम दौरा पे निकल रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण देने की बात की थी लेकिन अभी भी जो अति पिछड़ा लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है और इसी को लेकर उन्होंने आज 5 गाड़ियों को झंडी दिखाई है और ये समर्थन पत्र जो है पूरे बिहार से इकट्ठा करेगा जिसके बाद हम आरक्षण को बढ़ाने की भी मांग करेंगे। अब ये देखना होगा कि मुकेश सहनी का ये अभियान कितना रंग लाता है। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।